आज की इस वीडियो में हम मैथ के बेसिक क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके रिटन टेस्ट के हवाले से। तो आज हम एलसीएम, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, कुछ और एडिशन के सवाल और डिमैस रूल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके मुतालिक रिटन टेस्ट में काफ़ी सवाल आते हैं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिमैस रूल को। डिमैस रूल क्या है? पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 2 + 5 + 7 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडेड बाय 4 माइनस 6। अगर हम इसको ऐसे करें 2 + 5 7, 7 + 7 14 और 14 14 और ज़रब 2 28, फिर 28 को 4 पे तकसीम करें, 4 चूँकि 24, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 7 7 में से 6 गया, तो एक मतलब इसका जवाब आता है जो कि गलत है। ये क्वेश्चन जो है वो डिमैस रूल के साथ सॉल्व होगा। डिमैस रूल हम डिस्कस करते हैं। तो डिमैस रूल में है कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिमैस, यानी कोई भी इक्वेशन होगी तो सबसे पहले हम उसमें से जो डिवाइड होगा, डी से मुराद डिवाइड, एम से मुराद मल्टीप्लिकेशन, ए से मुराद एडिशन और एस से मुराद सब्सट्रैक्शन, यानी कि नफ़ी। ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन कोई भी इक्वेशन हो तो हम उसको इसी रूल के मुताबिक जो है सॉल्व करेंगे, यानी कि इक्वेशन में सबसे पहले हम तकसीम करेंगे। अब तकसीम वाली कौन सी इबारत है? 2 / 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर होगा। तो बाकी इक्वेशन हमने वैसे लिख देनी है, 2 + 5 + 7। अब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 2। ठीक है, हमने 2 लिख देना है और -6। डिवाइड के बाद हमने देखना है कि मल्टीप्लिकेशन, जो इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, हमने उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है और बाकी इक्वेशन को हम वैसे ही रहने देंगे। तो अगर हम देखें तो 7 × 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाकी इक्वेशन वैसे ही रहेगी, यानी कि 2 + 5 और +7 × 2 = 7, ये क्या आ गया 14 -6। ठीक है, अब हमारे पास डिवाइड भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गई। अब हमने क्या करना है? एडिशन करना है, यानी कि जमा करना है। अब जमा वाले हमारे पास कितने फिगर्स हैं? ये तीनों जमा वाले हैं, 5 और 2 = 7 और 14, तो ये कितने हो गए? 21, 21 -6। तो एंड में हमारे पास सब्सट्रैक्शन होता है, तो हम लास्ट पे सब्सट्रैक्शन कर लेंगे, 21 में से 6 गया, तो इसका क्या आंसर आएगा? 16। डिमैस रूल्स के बाद अब हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज क्वेश्चन को। परसेंटेज के सवाल किस तरह से आपके रिटन टेस्ट में आ सकते हैं, जो भी आपके कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आप टेस्ट देते हैं, ख्वा वो SPSC हो, KPSC, PTSC, PPSC, FPSC, जो सा भी टेस्ट हो, तो परसेंटेज के सवाल किस टाइप के होते हैं आपके रिटन टेस्ट में, इस पोर्शन में हम परसेंटेज के सवाल को डिस्कस करते हैं। तो पहले हम सवाल लिखते हैं, फिर हमारा जो है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। सवाल आता है कि व्हाट इज 5% ऑफ 50। ठीक है जनाब, इस तरह का आपके पास सवाल आएगा कि व्हाट इज 5% ऑफ 50। लाजमी नहीं है इक्वेशन यही हो, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट को समझना है। सवाल जो है मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हमने जो है उसके मेथड को समझना है कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो इस तरह के सवालात को आप इस तरह से सॉल्व कर सकेंगे, आपने जो भी क्वेश्चन हो ना उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और फिर 100 पे डिवाइड कर देना है। परसेंटेज के क्वेश्चन को ये हल करने का एक ट्रिक है जो मैंने अपनी तरफ से बनाया हुआ है, जो कि आपके आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जितने आप सवाल करेंगे, आप सवाल की प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपके लिए ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यानी कि आपने 5 को 50 से मल्टीप्लाई कर देना है और 100 पे डिवाइड कर देना है, यानी कि जो भी क्वेश्चन में दो हों, अगर वो परसेंटेज पूछ रहा है कि 5% ऑफ 50 क्या है या 10% ऑफ 100 क्या है, तो आपने इस फार्मूले के तहत इसको सॉल्व करना है कि दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि हम 5 को पहले 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो भी आंसर है हम उसको क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 100 पे। ये फार्मूला है जी परसेंटेज के लिए। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 250 को हमने डिवाइड कर देना है 100 पे। तो इसको जब हम डिवाइड कर देंगे 100 × 200 आ गया 50। उसके बाद हम पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे सिफर लगा देंगे, 100 × 5 = 500। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 2.5। 2.5 हमारा आंसर है। अब हम सवाल और जवाब को दोबारा रिपीट करते हैं। हमारा सवाल ये था कि हमने 5% मालूम करना है 50 का, यानी कि 50 का 5% कितना बनेगा। तो हमारे पास ट्रिक है सॉल्व करने का कि हमने
दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे जो भी मतलब कोई 50 दिया गया हो, 100 दिया गया हो, 500 दिया गया हो, आपने सिंपली क्या करना है, दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई करना है। हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 250। 250 अब जो भी आंसर है हमने उसको फिर 100 पे डिवाइड कर देना है। अब 250 को हमने 100 पे डिवाइड किया तो उसका उसका आंसर आया 2.5। परसेंटेज के बाद अब हम डिस्कस करेंगे रेशो के सवालात जो आपके रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी के लिए स्पेशली, अब तो आप लोगों ने जेल पुलिस का रिटर्न टेस्ट देना है, इसके अलावा आपने लाइफ में और भी एग्ज़ाम देने हैं, रिटर्न एग्ज़ाम देने हैं इंशाल्लाह, मुख्तलिफ जो है वैकेंसीज आती रहती हैं, आपने टेस्ट देना होता है, तो हर टेस्ट में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो रेशो के सवाल हम डिस्कस करते हैं। सवाल इस तरह से आता है कि 2:4, ये जो साइन है दो डॉट्स वाला ये रेशो का है, वो कहता है भाई इसको सॉल्व करो। तो आपने माइंड में रखना है कि रेशो का सिंपली मतलब होता है डिवाइड, यानी कि आपने 2/4, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 1/2 इसका आंसर आएगा। इस तरह से वो सवाल अगर देता है कि 10:4, तो फिर भी हमने क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है 10^4, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 4 × 4, 4 × 2 = 8। और अब देखें तो ये पूरा पूरा जो है डिवाइड नहीं होता, एक ही टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका आंसर है वो ही रहेगा 10/4। ठीक है, रेशो के सवालात में हमेशा पूरा पूरा तकसीम होना लाजमी होता है। ये जो अलामत है ये प्रोपोर्शन की है, तो प्रोपोर्शन को सॉल्व करते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 2/4 ये मतलब हमने इसको डिवाइड करना है, जब इसको डिवाइड हम करेंगे तो क्या इसका आंसर आएगा, 1/2। कैसे, 2 × 2 = 4, एक ही टेबल पे इनके पढ़ना है, 2 × 2 = 4 और 2 × 2, तो क्या जवाब आया, 1/2। अब इस अलामत को हमने चेंज करना है इज इक्वल टू में, इज इक्वल टू में चेंज करेंगे, ये इसका तरीका यही है। अब आप पूछेंगे कि हम इसको क्यों चेंज करेंगे, प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का तरीका ही यही है, तो हम इसी को फॉलो करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, 4 × 4 और 4 × 2 = 8, 4 × 4 और 4 × 2 = 8, इसका भी जवाब आया 1/2। अब इज इक्वल टू का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 यानी कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इससे और इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 × 2, 1 × 2 = 2 और इज इक्वल टू 2 × 2, ठीक है जी, 1 × 2 और 2 × 2, ये इसका। अब हम अगर दोबारा इसको हम चेंज करें प्रोपोर्शन में, या इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो यानी कि यहाँ पे ये प्लस का है, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, इस तरह भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, या 2 = 2, इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको आंसर कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इस टाइप के सवाल आते हैं पेपर में, यानी कि 2 सही 2/6, 2 सही 2/6 को किस तरह हमने सॉल्व करना है, तो इसका तरीका है कि इस वैल्यू को इसमें हम पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका जो भी आंसर हो हम उस आंसर को इसमें प्लस कर देते हैं। कैसे, अब हम इसको करते हैं, यानी कि मैंने कहा इस वैल्यू को इससे हमने ज़रब देना है, मल्टीप्लाई करना है, 6 × 12, अब हमने इसका किया, क्या आंसर आया, 12। अब मैंने कहा इसका जो भी आंसर आएगा हम उन्हें उस आंसर को इसमें प्लस कर देना है, ठीक है, 12 12 × 2 = 14, 14/6 इसका जवाब होगा। अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें तब भी कर सकते हैं, हम इसको ये देखेंगे कि क्या ये दोनों एक ही टेबल पे जाते हैं, ये 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 2 × 7 = 14 और 2 × 3 = 6, तो इसका आंसर 7/3 भी हो सकता है। आपने ऑप्शन में देखना है कि अगर 14/6 हो तो वो उसका जवाब होगा, अगर उसने मज़ीद उसको डिवाइड किया हुआ है, तकसीम किया हुआ है, तो 7/3 उसका जवाब होगा। मज़ीद भी अगर इसको हम कर सकते हैं वैसे, मज़ीद ये फिर पॉइंट्स में जाएगा, तो पॉइंट्स में इसको हम सॉल्व कर सकेंगे। इसके बाद हम करते हैं सवालात एलसीएम से रिलेटेड, अगर हम एलसीएम सॉल्व करना सीख जाएंगे तो उसमें प्लस माइनस करना भी हमारे लिए इजी होगा। इस तरह से जो सवालात आते हैं जमा के हैं, हैं तो जमा के, लेकिन हम इसको कैसे हल करेंगे, 2 + 3 = 5 और 2 + 6 = 7, नहीं जी इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि अगर हम इसका जवाब निकालें 5/7 तो वह बिल्कुल गलत होगा। इसको हम अगर यहाँ पे प्लस हो, माइनस हो, यहाँ पे ज़रब हो, तकसीम हो, तो उसका मेथड बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेने का तरीका बहुत ही आसान है, मैं आपको इतना आसान करके समझाऊंगा कि इंशाल्लाह आपको फिर ये कभी नहीं भूलेगा। एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जी जी बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, इमरान खान वाला डायलॉग मैं नहीं कहने वाला कि आपने घबराना नहीं है, आपने थोड़ा सा घबराना है और इस यहाँ पे एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है। लाइन लगाने के बाद आपने देखना है कि ये वाली वैल्यू और यहाँ पे ये वाली वैल्यू,
ये कौन से टेबल पे जा रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि अब देखेंगे कि क्या ये दोनों एक ही टेबल पे जाते हैं। हम यहाँ पे चुप करके ना दो का टेबल लिख लेते हैं, दो एकम दो, दो दोने चार, दो तियाँ छः, दो चुके आठ, दो पाँच दस। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, छः का टेबल लिख लेते हैं, छः एकम छः, छः दोने बारह, छः तियाँ अठारह, छः चुके चौबीस। ठीक है, अब हमने देखना है वो कौन सी वैल्यू है जो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, फर्स्ट वैल्यू कौन सी है। तो अगर हम देखें दो यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, तो चार यहाँ है, यहाँ नहीं है, और यहाँ पे क्या है, छः, छः यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, छः। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया। अगर नहीं समझ आई तो आप वीडियो को पीछे करें, दोबारा से देखें, बहुत आसान तरीका है। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास आ गया छः। अब हमने क्या करना है, इस छः को इस, अब इस एलसीएम ये है ना, दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम है, ठीक है। अब हम इस एलसीएम को पहले इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, फिर इसी एलसीएम से इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के क्या तरीका है, पहले हम इस छः को और इस दो को आपस में तकसीम कर लेंगे। तकसीम करने के बाद जो भी जवाब आएगा उस जवाब को हमने ऊपर ज़रब दे देना है। कैसे, अब हम अगर दो और छः को तकसीम करें तो क्या इसका जवाब आता है, हम साइड पर कर लेते हैं। तो इसका जवाब आएगा, अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो मैं बता देता हूँ, दो और छः को जब तकसीम करेंगे तो दो तियाँ छः, ठीक है, तो यानी कि बाकी यहाँ पे ज़ीरो बचा, तो इसका जवाब क्या आया, तीन। अब मैंने कहा जो भी वैल्यू आएगी उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जवाब आया तीन। तीन को जब हम ऊपर ज़रब देंगे तो क्या जवाब आएगा, तीन दोने छः, तो ये आ जाएगा छः। सेम अभी हमने वैल्यू सॉल्व कर ली है इस एलसीएम के साथ, अब इस एलसीएम के साथ इस वैल्यू को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का बिल्कुल सेम ही तरीका है, हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, यानी कि जो नीचे हैं इनको हमने क्या कर लेना है, आपस में डिवाइड कर लेना है। अब हम इसको तकसीम करेंगे दोनों को, तो इसका एक ही जवाब आना है, छः को अगर हम छः पर तकसीम करें, छः एकम छः, छः एकम छः, बाकी क्या बचा, ज़ीरो। तो इसका क्या जवाब आया, एक, एक को हमने ऊपर तीन से ज़रब दे देना है। ये हमने वैल्यू वैसे ही लिखनी है, प्लस है, अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे और माइनस है तो माइनस लिखेंगे। प्लस को भी सॉल्व करने का यही तरीका है और माइनस को भी सॉल्व करने का यही तरीका है। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका हमारे पास आंसर आया, हमने इसको डिवाइड किया तो एक जवाब आया। हम अब उस एक को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तीन तीन इसका जवाब आएगा, और छः जमा तीन इसका जवाब आएगा नौ। नौ को अब हम तीन पे छः पे तकसीम कर लेंगे, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन रही है। तो तीन तीन नौ और तीन दोने छः, इसका क्या आंसर आएगा, थ्री ओवर टू। ठीक है, सेम इसी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है, अपनी तरफ से कोई सवाल लिखना है, नंबर लिखना है और उसको सॉल्व कर लेना है। एक प्लस का भी करना है, एक माइनस का भी करना है, दोनों को सॉल्व करने का तरीका सेम ही है। डिफरेंस यहाँ पे है, हम पहले इसके साथ डिवाइड करेंगे फिर वो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पे प्लस होगा तो सिंपली हम प्लस लिखेंगे और माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता, छः माइनस तीन हम लिख देते तो इसका जवाब क्या आ जाता, तीन। फिर उस तीन और छः को तकसीम कर लेते तो तीन एकम तीन और तीन दोने छः, फिर एक बटा दो जवाब होता। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अगर यहाँ पे तकसीम हो या ज़रब हो तो उस इक्वेशन को हमने किस तरह सॉल्व करना है। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन दरमियान में हो तो आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है, आपने बिल्कुल एलसीएम नहीं लेना है, एलसीएम सिर्फ आपने प्लस और माइनस के लिए लेना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि टू को हम मल्टीप्लाई करेंगे फोर से और इस फोर को मल्टीप्लाई करेंगे इस फोर से, दो जो के आठ और चार चुके सोलह। उसके बाद आप देखेंगे कि ये कौन से पहाड़े पे कटता है, आठ एकम आठ, आठ दोने सोलह, तो क्या जवाब आएगा, एक बटा दो इसका आंसर आएगा। और अगर ज़रब के अलावा यहाँ पे तकसीम की अलामत हो तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने लिखना है छः बटा तीन और इसको तब्दील कर देना है ज़रब में। इसको हम क्या तब्दील करेंगे, यहाँ पे ज़रब लिख देंगे, जब ज़रब करेंगे तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, यानी कि चार बटा पाँच है तो इसको हम लिखेंगे पाँच बटा चार। सिंपल, हमने कुछ भी नहीं किया, इस तकसीम को ज़रब में तब्दील किया है, और अगर ये चार बटा पाँच था तो इसको हमने उलट करके लिख दिया, यानी कि पाँच बटा चार कर दिया है। अब अगर हम देखें तो जैसे हमने पहले वाला सवाल सॉल्व किया है, सेम उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि छः को हमने पाँच से फिर ज़रब देना है, छः पाँच तीस, और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में ज़रब देना है, तीन चौके बारह, ये हमारे पास जवाब होगा। अगर हम मज़ीद इसको तकसीम करना चाहें तो भी कर सकते हैं, इसको हम
छः के टेबल पे, छः कम छः, छः दोने 12 और 6 5 30, यानी कि 5/2 इसका आंसर है।